हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 16 तारीख और अभी दोपहर का टाइम है। और अभी मैं मम्मी दोनों जा रहे हैं संतोष आंटी से मिलने। संतोष आंटी से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। पहले हांगकांग गई हुई थी, हांगकांग से आने के बाद फिर गांव चले गई शादी में। तो कई दिन से गांव से आई और फिर पूना चली गई आंटी ज्योति के मम्मी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि ज्योति की मम्मी है ना स्कूटी से गिर गई। मम्मी पापा दोनों ही काफी चोट आई है उनको, तो उनसे मिलने के लिए पूना गई थी आंटी। परसों शाम को गई थी शायद, परसों शाम को या परसों गई थी या कल गई थी, ध्यान नहीं मेरे को। तो आज आई है सुबह, बिलू भैया के साथ गई थी, फ्लाइट से ही गई थी और फ्लाइट से ही आई है। तो आज सुबह 10 बजे के आसपास पहुंच गई थी। तो अभी आंटी का फोन आया है कि आ जाओ, बहुत दिन हो गए मिले। तो अभी हमारे सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना भी हो चुका है, तो मैंने और मम्मी ने सोचा अभी चलते हैं मिलने के लिए। और मानो भैया भी आए हुए हैं और बिल्लू भैया भी आए हुए हैं दोनों, तो मानो आज शाम को वापस हांगकांग जाएगा। तो उसके जाने से पहले हम मिलाते हैं, शायद 6 साढ़े 6 बजे निकले मानो भैया, तो इसलिए हमने सोचा अभी चल पड़ते हैं मानो भैया से, बिल्लू भैया से और आंटी से, सबसे ही मिल लेंगे। तो अभी जाएंगे आंटी के घर और ढेर सारी बातें करके आएंगे। शादी में आंटी ने क्या क्या इंजॉय किया सारी बातें पूछेंगे। और फिर आंटी को कल फिर जाना है गांव में वापिस शादी में, तो आंटी तो इतनी बिजी चल रही है ना, और तेई शादी पे शादी अटेंड करने लग रही है। तो आज आज का ही दिन है, नहीं तो कई दिन फिर गांव चली जाएगी आंटी। चलो आपको भी मिलवाते हैं संतोष आंटी से और हम भी चलते हैं, कई दिन हो गए आंटी के घर गए हुए। कई दिन बाद मैं तो बाहर निकली हूँ, यही बस दुकान तक तो चली जाती हूँ, बहुत दूर जाए तो मेरे को पता नहीं कितने दिन हो गए ना। तो कहीं पार्क में जाती घूमने, कल सोचा था आईब्रो बनवा के आऊँगी, वो भी कैंसिल हो गया। और आज भी मेरे को अभी तक टाइम नहीं लगा, आज आंटी के घर जा रही हूँ, आज भी कैंसिल ही हो जाएगा मेरे ख्याल से तो। और इस मौसम में है ना थोड़ा सा, अब मौसम ऐसा हो रखा है ना, ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, मौसम बढ़िया बढ़िया, तो बाहर निकल के अच्छा लगता है ना। पार्क में घूमने के वैसे सही दिन तो अभी आए हैं, लेकिन हम जाते ही नहीं घूमने। आंटी जी ठीक हो? अच्छा, वो चढ़ रही थी को पर। हाँ आग लग रही रस्ते में, छिड़िया में थोड़ी सफाई कर दू। हाँ, और सोफा में मार दू। को तो पाँचा नंबर पड़ा हो। आप आओ, कई कई दिनों में हो। हेलो, राम राम। सफाई चल रही है आंटी की, थकी थी तो मैं बैठ गई। सफाई अभियान, बैठो अभी बाद में करियो। कई दिन में मिले। हाँ, घने दिन हो गए आंटी। बीजी बीजी शादियां में, बीजी पूरी शादी शादियां में। बस उतने मजे ले रहे हैं तो शादियां के। और बसो 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 बसो, ये पुन्ना तो आई हो जब। हाँ, पुन्ना बसो बोलो सुनो। हाँ, पुन्ना बसो बोला कर महाराष्ट्र की भाषा। अच्छा, महाराष्ट्र की भाषा बसो। जो इतना नहीं तो इतनी मट्टी चढ़ रही है, बाल इन नाले बाल को नहीं मैं यही। फिर आप चले जाओ जब कहाँ यहाँ सफाई हुआ है, नीचे नीचे कर ले है सफाई तो बैठ कर चाहे बोल कर करवानी पड़े है। पीछे तो कोई को नहीं करता, पीछे तो झाड़ू पोछा करके चली जाएगी बस, यही है। झाड़ू पोछा भी तो पचमा तो आई मैं कर दिया तो आई थी मानव। सही है यार, टेबल यहाँ के लिए कुछ ना था, बढ़िया ये टेबल मंगवा दी। सही है, चाहिए ना, चाहिए बढ़िया। वाह, उन सोफिया के लिए होगी या इन सोफिया के लिए होगी। बैग ले आई आंटी, क्या ले रही हो बैग में? नहीं, वो बैग खोलोगे? पुन्ना तो लाए वो वाला, पहले तो नहीं था जो पुन्ना तो लाए वो बैग। मैंने भी आज ज्योति के पास फोन किया था, मैं कैसी तबीयत है ज्योति, तो आ कभी जाली मम्मी का बेरा लेकर पुन्ना से ही वापस। हॉस्पिटल बढ़िया था, महंगा हॉस्पिटल था, अच्छा इलाज उनका बढ़िया। हाँ, इलाज ऑपरेशन करवाया ना करता। हाँ, पाव का हो कि ये यहाँ से लेके है और ये यहाँ तक। अच्छा, नीचे पंजे पर चोट लग रही, यहाँ टूट गई है ये वाली। अच्छा अच्छा, या जो ये हड्डी है ना। हाँ हाँ, और फिर ये मन दिखाऊंगा ऊपर का सकुटी की आपकी पहिया फिर तो क्या। अच्छा, फिर वो धीरे धीरे ही ठीक होगा, वो तो आगे टाइम लगेगा। कुट्टी तो आगे जाली थी, टाके आ रहे हैं, टाके आ रहे और 16-17 टाके कहती जाती। ऑपरेशन हुआ जब टाके आए हैं ना, ब्रेड की जगह फिर टक्का लगा था। अभी तो खाट पे बेड पे ही रहती होगी। हाँ, और ज्योति नु कहती जितना जुकर हाथ की कोणी हो है ना, नु पैर की कोणी हो है, तो वो कौन सी जगह, वो तो घुटना होया कर घुटने का लग रही। फिर
उसने पता कौन टखना ये टखना हो गया पैर की कोणी और पाए की कोणी तो घुटना आंटी की पायल देगा। मैं देखो वहां गई थी तो करवा के लेके आई थी। ये मैं इनको सुनाता जाऊंगी तो बोलूंगी नहीं, ये चैन मैंने नकली जैसी लगनी से नकली जैसी देख काली हो रही है इसलिए लगा आंटी चांदी काली तो वही है। सही है तो वो काली ये वो शान बाद नहीं करवा के लाई थी, दिखाई भी थी एक बार अपना फोटो खींची। ये कद बनवाई है या तो पुनीता लाई थी तो या देख लेना या तो देखी थी ना जब या पुनीता या देखी थी जब तो या करवा चौथ पे और या पुनीता जब आई थी ना ये प्रोग्राम था अपना हमको जब लाई थी हाँ चांदी की सही है बढ़िया डिजाइन सिंपल से लो जो वह निकला है टाइट वाली कहानी याद उसका मैंने कितने रखी है लोक लोक भूल गया आंटी मम्मी ने दी पुन्ना तो लेके आई दीदी साड़ी मिल भी आई ज्योति की मम्मी ते अल्लाह साड़ी भी ले आई भाई अपना नेक जोग तो देखो सब कर रहे हैं हाँ ये तो चाहे मना कर लो तो भी देवेंगे दीदी मना करें तभी कौन मानना बढ़िया साड़ी दिखा है ज्योति की मम्मी ने दिया है साड़ी आंटी को ये कोरियर से मंगवाई थी जयपुरी टाइप सी है ना येलो कलर इसका ब्लाउज सिलवा येलो और मैरून कलर फिर वो अंदा को ना ये तीन साड़ी है हाँ मैं भी खूब भारी साड़ी लग रही है पूरी पर ये तीन है एक मैं आने के लिए दे जाओ बोलिए और भी साड़ी निकला आंटी की तो कई सारी साड़ी दे कह रही है आप लेके गए होगे पुरानी एक जोड़ी कपड़ा साल का हाँ काशी अच्छा ये बिल्लू के कपड़े एक ना बिल्लू का तो उनका कलर अच्छा येलो कलर की येलो दो सारे कलर सुंदर सुंदर हैं दीदी और या फिरोजी कलर की या ब्लू दिखा इसमें पर फिरोजी है या फिरोजी है या कॉफी कलर कॉफी नहीं वाइन कलर है इसी से तो आप एक बंद अभी करो शायद है ना तीनों साड़ी बहुत सुंदर है सुंदर है शादी के लिए सिलवा लो अपनी ब्लाउज दो तीन हाँ ये भी सुंदर है फिरोजी ये वाली सिलवा हाँ ये भी अलग सा कलर है इसमें थोड़ा ब्लू दिख रहा है फिरोजी कलर है वो नहीं बोला बिल्कुल भी टाइम नहीं आप दे आओ ना लेकर जाने के लिए ब्लाउज है दुकान पे दे आओ दुकान पे दे आओ तो कल शाम तक सिल दूंगा आप कब जाओगे कल कब जाओगे फिर तो शाम तक सिल कर दे देगा दे आओ आज ही दे आओ अभी बल्कि दे आओ अभी शाम ही तो होने वाली है बज्जू का बनवा लो ये तो हाफ का ही तो कौन बनाओ हाफ का भी ना बिना बज्जू का बनवा लो आंटी दिक्कत से फैशन शादी में जब बाजू लग गए नहीं तो बने ही नहीं तो बना देगा दीदी निकाल देगा छोटी छोटी बाजू और इधर से बाजू निकले और बन जाएगा चढ़ाओगे जब सब पीड़े पीड़े पहनना करा हल्दी तेल पे आंटी के सिल जाएगा ठीक है एक एक मीटर हो इनका कपड़ा आंटी ब्लाउजा का ना एक मीटर ना होता नहीं नमस्ते 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 ये साड़ी लिया ये एक और है दूसरी साइड से देखो ये भी सुंदर पांच पांच साड़ी दे दी वाओ तेरी आंटी की तो मजे हो गए बाहर निकाल के दिखाओ मौज बोटल ग्रीन कलर की मारा मेरा पितसरा का आ रहा है मौज कर दी कती सुंदर है साड़ी आंटी ये सिलवा लो मेहंदी पे मेहंदी पे पहन लियो एक ये सिलवा लो एक ये दो दो सिलवानी है तो येलो और ग्रीन सिलवा लो ब्लाउज पड़े हैं मैच कर लेगी कोई इंसान कोई सा और मैं सोई जाएंगे इन पे तो ये कौन सा वो है ईशा कलर का ग्रीन नहीं लाइट कलर मेहंदी कलर ये ना ईशा कलर सही सा ये ऐसा ऐसे कलर का भी हो जाएगा ईशा हो तो ईशा और बढ़िया ना तो यो भी हो तो मेहंदी भी ये बोटल ग्रीन भी चल जाएगा इस पे भी मैच हो जाएगा अगर अभी ना सील कर दे तो येलो पे भी ये कितने सारे कलर रहे इनमें येलो पे किसी भी कलर की मैच येलो पे तो रेड पहन सको मैरून रेड रेड ना मैरून है मैरून ज्यादा मैरून का कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है येलो और मैरून अच्छा लगेगा मैरून भी होगा आंटी के पास ब्लाउज एक ये साड़ी ये भी ग्रीन है
ये दूसरा ग्रीन है, दूसरा ग्रीन है। हाँ तो नानी उकले पानी ले और तू सही है, तू भी पानी पी ले। सारी साड़ी सुंदर आंटी। आप पर बिल्लू गए थे हैं? हमारे बिल्लू गए थे एक ही दिन मालिए, कल गए थे परसों गए थे, कब रात में तो गए थे और आज वाली रात में आली वापस आ ले। पांच साड़ी लिए चंदन से मिल आई। हां सही करा, बढ़िया हाँ। और जा का मिल ले शादी के लड्डू, हमने तो अपने पलड़े इतने दिन खत्म करे हैं। खालो भाई आप सब भी शादी के लड्डू। हाँ आप जब थे नहीं, आप गए चले गए उधर। हाँ आप हांगकांग थे, उधर जा रहे थे ना, इसी में डाल लो। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय का टाइम हो ही रहा था, लड्डू हमने खाई लिए शादी के, तो आंटी बोली चाय बना देती हूँ। वहाँ नहीं, मैं बना के लाऊंगी बड़ी ऐसी चाय, आप बैठ के मम्मी से बातें करो। तो मम्मी और आंटी बातों में लगी हुई है और मेरी चाय भी बन गई है। आ जाओ आप सब भी पी लो गर्मा गर्म चाय। और अभी आंटी जी करेगी मानव भैया की जाने की तैयारी। मानव भैया और बिल्लू भैया दोनों आए हुए थे ना शादी के लिए, तो अभी मानव भैया जा रहे हैं, तो पैकिंग वगैरह करवानी है, खाना बनाना है रास्ते के लिए। तो 6:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, बस उसी की तैयारी में लगेगी अभी आंटी जी। बैंगन भी लग रहे हैं देखो, बैंगन ओहो बढ़िया हो रहा है। आंटी का गार्डन फूल फाल बैंगन कैसा, वो है आंटी की बड़ी वाले, वो ठीक है, वो तो मेरा मैंने 12 महीना हो गया लगाया पन्नू के दिन में लेके आ रही है। या अपने आप हो रही है बैंगन वाली, आप हो रही है या ये दूसरा में शिफ्ट करूंगी तो कौन लगेगी, या वाली दे दूंगी दे दिया छोटे वाली। हाँ छोटे वाली दे देना, हम लगा के दे देना। ये देखो मनी प्लांट कितना सुंदर हो रहा है। ये सही लगा दिए यहाँ पर, कितने सारे पाम के पौधे, बढ़िया गार्डन बन गया। आंटी घने दिन हम आए हैं आपके गार्डन में, हम तो हाँ सुंदर है ये फूल खिल रहे। गुड़ल के बोला कर शायद, ये नींबू, ये अंगूर की बेल। मनी प्लांट कितने बढ़िया हो रहे हैं ना, ये पालक पालक तो उधर भी कितनी सारी हो रही है। ये तो सही है, ये तो आपके भी हो गया ना भाई, ये एलोवेरा। हाँ एलोवेरा तो हो जाए जब हो जाए। गौर पट्टा बैंगन तो इस ड्राम में भी हो रहे हैं कितने, अनार देखो लाग रहे हैं, अनार अनार बैंगन पे। पालक तो देखो कितनी है, पालक पुलक सब हो रहा है। बैंगन तो छोटे छोटे इसके तो। ये धनिया माँ उन्होंने गैस करी थी ना, तो काने सुनी वो मेरे हाथ में था वो छिड़की धनिया। सही है, अभी ये चीज उगाने के तो टाइम से, धनिया मेथी है ना, ये सारी चीजें, नींबू भी लग रहे हैं। गुड़हल, गुड़हल का तो सही है, चेहरे फेस के लिए बहुत बढ़िया हुआ इसका फूल, गुड़हल का फूल। सही लग रहा गार्डन तो, एक नंबर का। देखो कितना सुंदर लग रहा, खात गए सब हांगकांग से आया, पाछे सार खात गए। अभी मौसम भी ठीक है ना, मौसम के हिसाब से भी वहाँ पौधे सारा सुंदर लग रहा गार्डन। सही लग गए हैं, सही लग रहे हैं। मैं नहीं सोचा थी कि इतना गमलो खाली मिल जाएगा, तो सारा भरा पड़े जो भी भरे पड़े थे, ऐसा वाला मैं डाल देती हूँ। ऐसा हो हमारे पास आंटी, मैं दे जाऊंगी खाली गमला छोटे वाला, ये इतने बड़े बड़े हैं, ये जैसे ग्रीन है ना इतना बड़ा है, मैं दे जाऊंगी एक खाली गमला उसमें लगा देना। तो आंटी के पास है ना तुलसा कई सारी हो रही है, तो आंटी कह रही थी एक तुलसा मैं दे दूंगी लगा के, तो आंटी एक तुलसा देगी तो गमला मैं दे दूंगी आंटी को। चलो तो अब इस ब्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।